हम आपको बताते हैं, 1 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ का नहीं, इस सरकार में 5000 करोड़ का, 5000 करोड़ का ऐसा माइनिंग घोटाला हुआ है जिसके बारे में यह सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम आज डाडम में उस जगह पर खड़े हैं जहां पर कभी 500 फुट ऊंची पहाड़ी होती थी, लेकिन आज हम आप देखिए 500 फुट नीचे पहाड़ी के नीचे झील में खड़े हैं। ये वो जगह है जहां पर ना तो हाई कोर्ट के आदेश लागू हो पाए, ना पर माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रूल लागू हो पाया, और न ही सरकार की ईमानदारी की कोई पालना हुई। यहां पर खुलेआम हजारों करोड़ की लूट हुई और खट्टर सरकार इस बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ डाटम खनन घोटाले में डाका डालने वाले खनन माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सत्यवान जी हैं। सत्यवान जी, आप बताओ कि इस मामले में जो इतना बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ की लूट है, इसको इन माफिया ने कैसे अंजाम दिया? मैं जी तो शाम से लेकर भिवानी गया, भिवानी से चंडीगढ़, सीएम घर उसके सचिव, मैं कोई व्यक्ति छोड़ा नहीं हरियाणा में कि भाई इसका दरखास्त नहीं, पानी वाला तो भी दरखास्त दी भाई मारा जल सदर भी नाश हो जाए, तभी इसने कोई तो रोक जो हमारे को ये दिखा दिया मेरा सरकार में पूरा हाथ तू जाने वाकई लिए, तो मैंने जगह जगह दरखास्त दी, मैंने आखिरी ना हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई, मेरी वहाँ सुनाई हुई, मेरी जमीन में इतना कर दिया कि हमारे जो पेड़ पौधे हुए सारा पानी नीचे लिख गया है, कदे भी हमारी जमीन बोने के लायक नहीं छोड़ी इसने। तो आपके साथ में किसी अधिकारी ने, डीसी ने, खनन वाले ने, तहसीलदार ने कभी मौके पा के देखा नहीं कितनी खुदाई करके गलती है? पता 60 फुट खोदने का हुक्म था, उसे आदत मंजूर लेनी थी, सारा अवैध खान हमारे मतलब अफसरा दरखास्त दी भाई हमारे खेत में अवैध खाने हो रही है, तो भी अफसरा ने पहुंचू नहीं करी, सब आपके पैसा लेकर एक का नहीं बचाते। कोर्ट ने आदेश दिया था जी कहना है इसको यहाँ का जो का तो बंद रखा जाए, जो स्ट्रोक है वो जो के रहने चाहिए, लेकिन कोई सरकार की मनमानी सरकार के डीसी अफसरों से मिलकर इसने वो स्ट्रोक भी और जितना माल ले जाना था उन्हें डब्बा दब लेके इकट्ठा कर लिया रहा मैं बेचा सरकार है। सत्यवान जी का बयान ये बताता है कि इस मामले के अंदर बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ, ये भी कह सकते कि हमारे हरियाणा प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और उसमें हजारों करोड़ का जो है खेल खेला गया है। इस मामले में अभी तक न तो सरकार ने कोई कार्रवाई की, न तो इनकी मांग पर कोई सुनवाई हुई, न ही कोर्ट के आदेशों की पालना की गई।